पे रहते हैं? ये गांव गपोली जी, ये मेरे क्षेत्र में। अच्छा। मैं जब डांस क्षेत्र में पड़ता है, गांव गपोली अलीपुर के पास हाईवे पे। अच्छा। सिमगढ़ के पास। अच्छा। तो जब आए थे तब क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी? जब आया था पेशाब में दिक्कत थी, पेशाब नहीं आता था खुल के, और स्वेलिंग ज़्यादा थी बहुत, और किडनी में कभी कभी दर्द होता था। अच्छा। स्वेलिंग कहाँ कहाँ पे थी? ज़्यादातर पैरों के नीचे थी, घोड़े के नीचे। अच्छा। फिट में। अच्छा ठीक है। तो अभी जब से मेडिसिन स्टार्ट करी स्वेलिंग वगैरह अब है? हाँ, आप आराम है जोर। अच्छा ठीक है, बहुत कम रह गया। ठीक है। तो आप बेटे हैं की? मेरे ताऊजी। तो जब आए थे तब तमें और अम्मे आप भी महसूस कर रहे होंगे साथ में? हाँ जी, पहले काफ़ी स्वेलिंग होती थी, बहुत मोटे हो जाते थे पाँव, अब तो काफ़ी कम है स्वेलिंग। हाथों में भी स्वेलिंग होती थी। ठीक है। तो हाथों में भी स्वेलिंग ठीक है। खाने पीने का पूरा परहेज कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये टेस्ट कहाँ से कराए थे आपने? मित्तल में कराए थे। अच्छा। थोड़ी सी आस पास ही आपके? नहीं, थोड़ी थोड़ी सी थोड़ा जरूरी में। ठीक है। ये उन्होंने टेस्ट कराए थे, क्रिएटिनिन इनका 5 के आसपास था, 3/4/2017 को इन्होंने टेस्ट कराया, 5 के आसपास इनका क्रिएटिनिन था, और यूरिया 168 के आसपास था। खाने पीने का इन्होंने पूरा अलग के फॉलो करा, सारी चीज़ें ए टू जेड फॉलो करी, और अभी सिम्टम्स वगैरह भी नहीं, जो स्वेलिंग वगैरह हो रही थी। यूरिन ठीक आ रहा है? थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन पहले से ठीक है, पहले से इम्प्रूवमेंट है यूरिन। अब इन्होंने टेस्ट कराए हैं, इसके अंदर क्रिएटिनिन जो है 3.6 हुआ, फिर 3.6, और यूरिया जो हो गया वो 106 हो गया, 3.6 क्रिएटिनिन यूरिया 106। क्रिएटिनिन जो था वो पहले बढ़ता चला जा रहा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द किडनी, किडनी किस प्रकार से फिल्टर कर रही है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा था। मेडिसिन के बाद सिम्टम्स भी सबसाइड हो, क्योंकि किडनी का फिल्ट्रेशन जब इम्प्रूव होगा तो स्वेलिंग वगैरह जो आ रही है, स्वेलिंग वगैरह ऑटोमेटिकली सबसाइड होती जाएगी, जो भी लिक्विड इंटेक होगा वो किडनी फिल्टर करती चली जाएगी और यूरिन के माध्यम से वो निकलता चला जाएगा, वाटर रिटेंशन लिक्विड रिटेंशन ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है। तो जैसे जैसे किडनी का फिल्ट्रेशन बढ़ा, ना केवल क्रिएटिनिन में बल्कि वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग वगैरह, इन सब सिम्टम्स में भी ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट्स आने लग जाते हैं, क्योंकि किडनी के जो है बहुत सारे फंक्शन है बॉडी में, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड फॉस्फोरस पोटेश, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बैलेंस करती है किडनी, और क्रिएटिनिन यूरिया जो है वो तो एक या दो ही चीज़ें, उसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, मोर देन 100 फंक्शंस आर देयर। तो जब किडनी का फंक्शन डिटोरेट होता है तो सारे फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, सारे फंक्शन हैम्पर होने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे किडनी का फंक्शन इम्प्रूव हो रहा है, ना केवल रिपोर्ट्स में बल्कि फिजिकल लेवल पर भी पेशेंट को चेंजेस और विजिबल आते हुए, चेंजेस विजिबल होते हुए। आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है, और लगभग 2,00,000 लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।